रमज़ान के महीने में ऑफ़िस जाना सब भी डिफ़िकल्ट थिंग। ऑफ़िस जाकर आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब काम के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप ज़्यादा बात कर सकते हैं किसी से और ना ही कुछ खा सकते हैं। और वैसे भी हमारा ऑफ़िस तो इस बारे में मशहूर है कि हम लोग ऑफ़िस काम करने नहीं, खाने जाते हैं। खैर फिलहाल चलते हैं ऑफ़िस। रमज़ान में ऑफ़िस में इतना सन्नाटा होता है कि मतलब हर काम खामोशी खामोशी से करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे आप पता नहीं कुछ गलत कर रहे हैं। नील लेने का मूड था लेकिन फिर मैंने सोचा कि नील को बात करूं। नील कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। तस्वीर निकाल लो। नहीं नहीं तस्वीर क्या निकालनी है। तो जब मैं काम कर करके थक जाता हूँ तो फिर मैं धूप सेकने के लिए छत पे आ जाता हूँ। नहीं भाई आप भी चौधरी बांध के बैठे हैं। ये हमारे नहीं भाई, ये मोबाइल के साथ और क्या चीज़ लगाया हुआ है? ये माइक लगाया हुआ है मोबाइल के साथ। ये नस्ल का है? ये नई नस्ल का माइक है, इसमें तार नहीं होती। ये एक उसकी टूटी जो मोबाइल में लगती है, दूसरी टूटी आप यहाँ लगा लेते हैं तो उस टूटी के अंदर से आवाज़ जाती है ना। मज़ेदार चीज़ बहुत मज़ेदार है। आप सुनाए रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? बहुत अच्छे यार, रोज़े अच्छे जा रहे हैं, बस नींद बहुत आती है रोज़ों में। नींद आती है, जिसम टूटते हैं बस। आपके लिए कोई ऐसी दवाई पता करवाते हैं जिससे आपको नींद ना आए? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे नहीं भाई को नींद ना आए। रोज रमजान में नींद, रमजान में नींद ना आए, आगे पीछे आगे पीछे आए। नहीं भाई पानी है टैंकी में? यहाँ तो हवा ही बहुत तेज चल रही है टैंकी की। पहले तो बिल्डिंग की छत के ऊपर, फिर उसके ऊपर टैंकी की छत के ऊपर आ गया हूँ। नहीं भाई आपको ऑफिस छोड़ के जा रहा हूँ मैं, वर्क फ्रॉम होम मिल गया मुझे, घर से काम करना है, घर से मतलब ऑफिस के काम घर से करना है। ठीक है ना, तो आराम से घर बैठ के काम करूँगा। ठीक है, और मैंने बात चक्कर लगानी है आपसे, घूमने आ जाए तो क्या हो गया इतने हैरान क्यों? जी अभी हम जा रहे हैं वापस ऑफ़िस से, फ्री हो गए हैं। रमज़ान में बहुत जल्दी टाइम गुजरता है ऑफ़िस में, पता ही नहीं लगता कैसे 9 बजे और 3 बज जाते हैं। खैर 9 बजे तो मैं कभी नहीं आया, 10 बजे तक आता हूँ। खैर अभी प्लान ये है कि वापस जाना है और जाके सेंटोरस जाना है। सेंटोरस वहीं जाके बताऊँगा कि क्या करने जाना है। तो अभी मैं टाइम की कैलकुलेशन कर रहा था तो टाइम जो है बड़ा शॉर्ट है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:30-4:15 के राउंड अबाउट अफ्तारी का टाइम हो जाएगा और 8 बजे मेरी मीटिंग है और मैंने अभी टाइम निकालना है सेंटोरस जाने का। तो हिसाब ये लगाया मैंने कि अभी जल्दी से कपड़े प्रेस करते हैं और थोड़ा सा फ्रेश होकर निकलते हैं बाहर, अफ्तारी कर लेंगे फैसल मस्जिद, उसके बाद फ़ौरन से सेंटोरस मॉल घुस जाएंगे और वहाँ से क्विकली जो अपनी चीज़ें बाई करनी है वो करके और 8 बजे तक वापस हॉस्टल आ जाएंगे ताकि 8 बजे हॉस्टल आके मीटिंग कर सकें। तो अभी हमारी स्टार्ट होने लगी है मैराथन। जी तो भैया जी बॉय रेडी हो चुका है जाने के लिए और ये मैंने बैग साथ कैरी की है, इसके अंदर मेरा जानमाज है और एक ट्राईपॉड है मेरा। तो मुझे थोड़ी सी आदत है एक बैग साथ कैरी करने की, वैसे मैं वो छोटा बैग
साइड बैग कैरी करता हूँ, लेकिन आज जायनमाज साथ है तो मैंने सोचा कि ये वाला बैग जो है ठीक रहेगा। तो अभी जल्दी से निकलते हैं क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो ये जी भैया जी, आपका भाई आ चुका है फैसल मस्जिद, और पीछे आप व्यू देख सकते हैं माशाल्लाह से फैसल मस्जिद का। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम रहता है अफ्तारी का, और अभी मैंने असर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है, तो जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं पहले, और इतने में अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो अफ्तारी यहाँ करेंगे इंशाल्लाह, और अफ्तारी के फ़ौरन बाद फिर हम जाएंगे सेंटोरस मॉल, तो बाकी का जो मामला है वो वहाँ होगा। असर की नमाज़ अदा हो चुकी है, और अभी मगरिब का टाइम है, बिल्कुल 10 से 15 मिनट रह चुके हैं। तो हम कोई जगह देखते हैं अच्छी सी, और अपना जायनमाज़ बिछाते हैं और अपना दस्तरखान लगाते हैं और अफ्तारी करते हैं। अभी मैं मस्जिद से निकल रहा हूँ, और अब हम जाएंगे सेंटोरस मॉल। तो एक्चुअली मैंने वहाँ पर जाना है सेंट एंड स्टोरीज पे, होपफुली कि वो खुला भी होगा। तो टाइम बहुत कम है, और 8 बजे मैंने वापस ही पहुँचना, जो मुझे लग नहीं रहा कि मैं पहुँच सकूँगा, लेकिन विल ट्राई। तो भैया जी, अभी मैं सेंटोरस पहुँच गया हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्डिंग सेंटोरस की, लाइटें बंद की हुई है उन्होंने यार, लाइटें तो जलाएं थोड़ी सी ताकि नज़र आए सेंटोरस। खैर, तो अभी जल्दी से अंदर चलते हैं, टाइम थोड़ा सा रह गया, आधा घंटा है, आधे घंटे के अंदर मैंने शॉपिंग करके वापस पहुंचना है। तो मैं सेंटन स्टोरी पहुंच गया हूं, और मैंने यहां दो पसंद किए हैं परफ्यूम्स, एक सैफल मलूक और दूसरा मुझे भाई ने रेकमेंड किया है स्मैश माय हेड। तो ये इन्होंने मुझे रेकमेंड किया, तो ये एक इनकी रिकमेंडेशन पर बाय कर रहा हूँ। एक मैं पहले से सोच के आया था कि मैंने सैफल मलूक लेना, तो ये दोनों हम बाय करते हैं। तो पिज़्ज़ा भी पैक कर दे। अभी मैं आ चुका हूँ सेंटोरस के बाहर। वो टॉप फ्लोर पे लिखा हुआ है जैज़ सुपर 4G। तो सीरियसली यार, अंदर जो है ना जैज़ के सिग्नल इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। एनीवेज, रमज़ान का महीना है, तो आप सब लोग मिलकर दुआ करें कि अल्लाह मियां मुझे जो है ना टॉप फ्लोर पे ना सेंटोरस में एक पेंट हाउस दे दे। तो मैं अल्लाह ताला के ज़रा नज़दीक होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे टॉप फ्लोर पे चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो खैर, आज के ज़रूरी ज़रूरी काम सारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मीटिंग जो है वो मुझे अंदर सेंटोरस मॉल में ही करनी पड़ी है, क्योंकि मैं लेट हो चुका था। तो फिर मैंने मोबाइल पर ही की, मुझे एक खोपचा मिल गया था लिफ्ट वाली साइड, वहाँ पर एक कॉर्नर था, तो वहाँ ज़रा खामोशी थी, तो मैंने वहाँ जाके मोबाइल से फिर अपनी मीटिंग ज्वाइन की। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग है मुल्तान का, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मुल्तान, मुझे मिल चुका है वर्क फ्राम होम ऑफिस की तरफ से। तो नेक्स्ट 2 or 3 months जो है वो होपफुली मैं मुल्तान में आऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, और अगली व्लॉग में चलेंगे मुल्तान। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, पहले तो मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा।